Good morning, class. This is our new pathology class in which today we will study about the next topic of cardiovascular system, that is endocarditis. As the name indicates, this is the infective inflammation of the innermost layer of heart, that is endocardium. एंडोकार्डियम के इन्फ्लामेशन को अपन एंडोकार्डाइटिस कहते हैं. एक्चुअली हार्ट एक वाइटल ऑर्गन है जो कि ब्लड को पंप करता है. इसमें तीन लेयर्स होती हैं, एंडो, मायो और पेरिकार्डियम. एंडोकार्डाइटिस हार्ट के इनर लेयर का इन्फ्लामेशन है, यानी एंडोकार्डियम का इन्फ्लामेशन को एंडोकार्डाइटिस अपन कहते हैं. इस लेयर के अंदर वॉल भी इन्वॉल्व रहते हैं और दूसरी स्ट्रक्चर जैसे कि इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम वगैरह भी इन्वॉल्व रहते हैं. अब ये एंडोकार्डाइटिस क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो इन्फेक्शन फंगस का भी हो सकता है, बैक्टीरिया का हो सकता है, एक्यूट रूमेटिक फीवर या फिर कोई और कंजनाइटल हार्ट डिजीज़ की वजह से भी ये देखा जा सकता है डिसऑर्डर. फंगाई में कैंडिडा एल्बिकन्स और एस्परजिलस नाइग्रस फंगाई इसको कॉज कर सकती है. बैक्टीरिया में ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म जैसे स्यूडोमोनास और स्टेफाइलोकोकाई जैसे बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो सकते हैं. एक्यूट रूमेटिक फीवर जो कि एनलार्ज्ड और लिम्फ नोड को एनलार्ज्ड और टेंडर बना देते हैं और वॉल को डैमेज कर देता है. और प्लस किसी को अगर जन्मजात ही कोई हार्ट डिजीज़ हो तो भी हो सकता है उसके अंदर एंडोकार्डाइटिस हो जाए. रिस्क फैक्टर पहले से जिनमें हार्ट डैमेज हुआ हुआ रहता है उनमें एंडोकार्डाइटिस होने का खतरा बढ़ जाता है. डेंटल प्रोसीजर जिसमें कोई डेंटल प्रोसीजर करवाते समय अगर कोई बैक्टीरिया अंदर घुस गया हो तब भी ऐसा हो सकता है. हार्ट की सर्जरी की वजह से हो सकता है. इंट्यूबेशन किसी ने करवाया हो, ट्यूब डलवाई हो. प्रोसीजर जिसमें गैस्ट्रल इंटेस्टाइनल या जिनाइटो यूनिट ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई प्रोसीजर करा हो, कोई बेरियम स्वेलो करवाया हो, एनिमा लगाया हो, सिग्मोइडोस्कोपी की गई हो, कैथेटराइजेशन किसी में हुआ हो या साइटोस्कोपी किसी की करी गई हो तब भी उसमें एंडोकार्डाइटिस होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है. इसके अलावा रिप्रोडक्टिव कंडीशंस के बच्चे के डिलीवरी के दौरान या एबॉर्शन की वजह से या किसी फीमेल में पीआईडी हुई हो, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, इसमें ग्रुप ऑफ डिजीज़ इन्वॉल्व होती हैं, तो ये सारे फैक्टर्स भी जो हैं वो एंडोकार्डाइटिस को कॉज कर सकते हैं. ठीक है, अब पैथोफिजियोलॉजी क्या है भाई एंडोकार्डाइटिस की. तो एंडोकार्डाइटिस यूजुअली इस केस में बैक्टीरिया दूसरे कोई कॉजिंग एजेंट्स जो कि ब्लड स्ट्रीम में किसी इन्वेजिव प्रोसीजर जैसा मैंने बताया भाई डेंटल प्रोसीजर के दौरान, किसी सर्जरी के दौरान या कोई कैथेटराइजेशन के दौरान हो सकता है कि कोई ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया बॉडी के अंदर घुस गया हो, तो वो घुस करके हार्ट के वॉल्व या एंडोकार्डियम में जाकर के इकट्ठा हो जाता है. फाइनली वहाँ पर ये वेजिटेशन बना देता है. वेजिटेशन आउटग्रोथ होती है भाई, आपको बता दूँ मैं कि वो वेजिटेशन बना देता है जिसको अपन क्रस्टर भी कह सकते हैं. क्रस्टर बना देगा और फिर ये वेजिटेशन जो है हार्ट वॉल्व में और ज़्यादा डैमेज कर देगा, वहाँ पर छेद कर देगा और उसके वॉल्व के लीफलेट्स की स्ट्रक्चर को बिगाड़ देता है. दिस एट द एंड लास्ट में फिर क्या होएगा, इन सब की वजह से टीयरिंग हो जाएगी कि वो जगह कट फट जाएगी, वहाँ पर ब्लड फ्लो पुअर हो जाएगा और ब्लड का एक्यूमुलेशन हार्ट के चैम्बर्स में हो जाएगा जिसको अपन क्या कहते हैं एंडोकार्डाइटिस. आप इनको इन पांच पॉइंट्स को ऐसे लिखने के बजाय आप एरो एरो लगा करके लिख लीजिए तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा. या फिर आप ये पॉइंट्स ऐसे लिख रहे हैं तो आप एटियोपैथोजेनेसिस ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस लिख करके आप, मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ आप लिख लीजिएगा. फर्स्ट पॉइंट एरो एरो लगा कर लिखते जाना है, ठीक है, एरो लगाते जाइए. तो फर्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट इन्वेजन ऑफ द एंडोकार्डियम एरो बाय माइक्रो, ब्रैकेट में लिखिए एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकाई, एंटीरोकोकाई, न्यूमोकोकाई, स्टाफिलोकोकाई एंड कैंडिडा. अगेन एरो लीड्स टू डिफॉर्मिटी ऑफ द वॉल्व लीफलेट्स एंड कॉडी टेंडिनी बाय डिपोजिशन ऑफ फाइब्रिन प्रोड्यूसिंग वेजिटेशंस एरो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. इस तरह से आप एटियोपैथोजेनेसिस लिख लीजिए. और डेफिनेशन में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें और भी लिख लीजिएगा, जैसे कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इज़ अ सीरियस इन्फेक्शन रिक्वायरिंग प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन.
इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय माइक्रोबियल इन्वेजन ऑफ हार्ट वॉल्व्स और म्यूरल एंडोकार्डियम, ऑफन विद डिस्ट्रक्शन ऑफ द अंडरलाइंग कार्डियक टिश्यूज एंड रिजल्ट्स इन बल्की फ्राइबल वेजिटेशन कंपोज्ड ऑफ नेक्रोटिक डेब्रिस थ्रोम्बस एंड ऑर्गेनिज्म। कि भाई ये एक सीरियस इन्फेक्शन है, इसमें माइक्रोबियल इन्वेजन हो जाता है हार्ट वॉल में, म्यूरल एंडोकार्डियम में, जिससे कि जो उस हार्ट के कार्डियक टिश्यूज़ हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और बल्कि फ्राइबल वहाँ पे वेजिटेशन बन जाता है। उस वेजिटेशन को अगर आप देखोगे तो उसमें नेक्रोटिक डेब्रिस थ्रोम्बस और दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। विरुलेंट ऑर्गेनिज्म के बेसिस पर इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस दो तरह का हो सकता है, एक्यूट और सब एक्यूट। एक्यूट कॉज होता है स्टेफेलोकोकस ऑरियस की वजह से, जबकि सब एक्यूट कॉज होता है स्टेप्टोकोकस विरिडेंस की वजह से। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन धुंधला दिखाई देगा भाई पर्सन को, या उसको दिखाई देना कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इश्चीमिया, ब्लड, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई हो सकती है, बुखार चढ़ेगा, ब्रीद शॉर्ट हो जाएगी उसको, शॉक की कंडीशन अराइज हो जाएगी, फिंगर में क्लब्स बन जाते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ये डिसऑर्डर, वजन कम होने लगेगा, बीमारी जैसी फीलिंग आएगी, कम कमी छूटेगी, रात को पसीने आने शुरू हो जाएंगे, सीने में और पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा, और भूख लगनी बंद हो जाएगी। डायग्नोस कैसे कर सकते हैं भाई, क्योंकि इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस है तो ब्लड कल्चर कर लो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस पता चल जाएगी, यूरिन को एनालाइज कर सकते हो तो माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर हिमैटूरिया कंफर्म हो जाएगा, डॉपलर इको करवा सकते हो, वॉल्व मसल्स वॉल पर जो मसल्स हैं उनको देखने के लिए सीटी स्कैन करवा सकते हो, हार्ट डैमेज पता चल जाएगा, बाकी बन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिन, ये बन जो है शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप इसको कैपिटल में लिखिएगा, बी यू और एन तीनों कैपिटल में आएंगे, तो बन और क्रिएटिन लेवल से रीनल फंक्शन सही है नहीं है वो पता चल जाएगा, एंडोकार्डियोग्राफी करवा सकते हो, ब्लड सेल काउंट कर सकते हो तो इन्फेक्शन का पता चलेगा। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में कॉम्प्लिकेशंस में क्रॉनिक हार्ट फेलियर, शॉक, स्ट्रोक और एम्बोलिज्म जैसी कंडीशन भी हो सकती है आगे जा करके। तो कंक्लूजन में अपन कह सकते हैं एंडोकार्डाइटिस को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये एंडोकार्डियम का इन्फ्लामेशन है, जिसमें खूब सारे कॉम्प्लिकेशंस भी देखे जा सकते हैं। बस इतना ही है एंडोकार्डाइटिस, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू क्लास।